अब इसमें क्या लिखना होगा? बीएससी और थर्ड के लिए हम यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था भौतिकी जो हमारी किताब है, आपके जो फर्स्ट पेपर ठोस अवस्था होगी, ठोस अवस्था भौतिकी सॉलिड स्टेट, उसकी यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। और आज हम यहाँ ससंजक ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी के साथ विभिन्न प्रकार के जो बंध हैं, बॉन्ड होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ स्टडी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ससंजक ऊर्जा, बंधन ऊर्जा के बारे में कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो हम इसको मोटे तौर पर समझें, कोई भी जो द्रव्य होता है, कोई भी पदार्थ होता है, तो वह सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। सूक्ष्म कणों को हम परमाणु, अणु इन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ हम कहें कि जब तक कोई बंध नहीं होता तब तक वह परमाणु, वह अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। लेकिन जब इन स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले परमाणुओं को, चूंकि इनमें गति जुड़ जाती है और ये स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं, लेकिन किसी अन्योन्य क्रिया के द्वारा इनको जो है, इन पार्टिकल्स को, इन परमाणुओं को अति निकट लाकर के और इन दोनों, इन परमाणु के मध्य, जिसे कि हम मान लें कि दो परमाणु है हमारे पास, दो परमाणु स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं और दोनों परमाणुओं को हम धीरे धीरे उनके नज़दीक लाते हैं। नज़दीक लाने पर एक क्षेत्र वह आएगा, एक स्थान वह आएगा जब दोनों जो परमाणु हैं एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करने लगते हैं। अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप दोनों परमाणु आपस में जुड़ते हैं, आपस में बंध बनाते हैं और बंध बना करके एक द्रव्य का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि उन दोनों परमाणुओं को आपस में लाकर के अन्योन्य क्रिया करके उन दोनों परमाणुओं को के मध्य जो बंध बनाने में जितनी ऊर्जा लगी है, यानी कि उन बंधों को बनने के लिए, उन दोनों परमाणु के बीच जो है बंध बनने के लिए एक उनको जो है ऊर्जा प्रदान की जाती है, तब जाकर के वो अन्योन्य क्रिया करके एक दूसरे से बंधते हैं, उनके बीच में अन्योन्य क्रिया संपन्न होती है, द्रव्य का निर्माण होता है। अब यहाँ यदि हम ससंजक ऊर्जा, बंधन ऊर्जा की बात करें, तो किसी क्रिस्टल या किसी द्रव्य को उसके घटक स्वतंत्र परमाणु में पृथक करने के लिए आवश्यक प्रति परमाणु प्रति परमाणु ऊर्जा को ही हम ससंजक ऊर्जा कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, किसी क्रिस्टल या किसी द्रव्य को उसके घटक स्वतंत्र परमाणुओं में पृथक करने के लिए आवश्यक प्रति परमाणु ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, ससंजक ऊर्जा कहते हैं। इसे हम सीधे सीधे तौर पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को यदि हमें उसके अलग अलग परमाणुओं में तोड़ना है, स्वतंत्र परमाणुओं में तोड़ना है, तो हमें ऊपर से जो है उसको बाह्य एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो परमाणु एक दूसरे से अलग होंगे, स्वतंत्र होंगे और उस में उपस्थित प्रति परमाणु यानी कि प्रत्येक परमाणु को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस प्रति परमाणु ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ससंजक ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं।
अब इन क्रिस्टलों के बीच में हमें ऊर्जा देने की क्यों आवश्यकता पड़ी स्वतंत्र करने के लिए, क्यों? क्योंकि इनके मध्य, जैसे कि हमने पहले अभी पढ़ा था कि इन परमाणुओं के बीच में कोई ना कोई बंध होता है, उस बंध को तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी यानी कि ऊर्जा देनी पड़ती है। अब वो बंध क्रिस्टलों में कौन कौन से प्रकार के होते हैं तो उन पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो क्रिस्टलों में आबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जो क्रिस्टल होते हैं, द्रव्य होते हैं, उनमें मुख्य रूप से जो बंध है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो आबंध है वो होता है आयनिक आबंध या आयनिक बॉन्ड, जिसको आप कहते हैं। दूसरा जो बॉन्ड है वो है सहसंयोजक बॉन्ड। तीसरा धात्विक बॉन्ड। चौथा वैन डर वाल बॉन्ड। और जो अंत में हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ हम इन 5 आबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले लेंगे आयनिक बंध को। अब यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं आयनिक आबंध पर, आयनिक बॉन्ड पर। आयनिक जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में 2 प्रकार के परमाणु होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु और एक होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु। यदि इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु और इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणुओं को अति निकट लाया जाए, अति निकट लाकर के दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया कराई जाए, तो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु को प्रदान कर देता है। और इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु पर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाती है। इस कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इस पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण इस पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से 2 आयन पॉजिटिव और निगेटिव 2 आयन तैयार होते हैं और इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे कहते हैं हम आयनिक बॉन्डिंग यानी कि आयनिक बंध हम इसको कह सकते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं NaCl, सबसे अच्छा उदाहरण है NaCl। NaCl का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ जो परमाणु है Na प्लस और एक होता है Cl माइनस के रूप में। यहाँ NaCl को यदि आप किसी द्रव में, जैसे कि हम लेते हैं पानी या जल, जल में यदि NaCl को आप घोलते हैं तो वो अपने आयनों Na प्लस और Cl माइनस में विघटित हो जाता है। और इस तरह से जो है, इसी तरह से जो है हमारा दूसरा उदाहरण CaCl2 है, NaCl है, CaCl2 LiF और LiCl। इस तरह से हमारे पास कुछ उदाहरण है इसके। अब बात करते हैं हम आयनिक आबंधों के गुणों पर। तो इसके इन आबंधों के क्या विशेष गुण होते हैं, इनकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। सबसे हम पहले हम चर्चा करते हैं सहसंजक ऊर्जा पर। सहसंजक ऊर्जा क्या है? सहसंजक ऊर्जा का मान इसमें इनमें कितना होता है, सहसंजक ऊर्जा कितनी रहेगी इनकी, उस पर उसको हम देखते हैं। यदि यहाँ हम सहसंजक ऊर्जा की बात करें तो आयनिक आबंधों में जो सहसंजक ऊर्जा है, ये जो बंध होते हैं लघु प्रबल बंध जैसे होते हैं, वो इनकी जो सहसंजक ऊर्जा है, सहसंजक ऊर्जा जो है प्रबल होने के कारण अधिक पाई जाती है। यदि हम NaCl की यहाँ बात करें, NaCl या LiCl की बात करें, तो NaCl की जो सहसंजक ऊर्जा है, यदि हम NaCl की सहसंजक ऊर्जा की बात करें तो NaCl की सहसंजक ऊर्जा 180 के करीब, 180 किलो कैलोरी प्रति परमाणु के बराबर होती है। और LiCl की बात करें तो इसकी 200 के करीब होती है। इस तरह से इनकी जो सहसंजक ऊर्जाएं हैं वो अधिक होती है। उसका कारण यही है कि इनके जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, ये प्रबल श्रेणी में लिए जाते हैं।
इस कारण से इनके जो संसंधक ऊर्जाएं हैं वो भी अधिक होती है। दूसरी विशेषता हम बात करते हैं कठोरता एवं भंगुरता, यानी कि ये जो पदार्थ है आयनिक क्रिस्टल ये कठोर तो होते हैं लेकिन इतने कठोर भी नहीं होते कि जैसे हम मेटल्स की इनकी बात करें तो ये इनमें कठोरता भी पाई जाती है और भंगुरता भी पाई जाती है। इनमें कठोरता और भंगुरता का गुण पाया जाता है। तीसरा हम बात करें गलनांक एवं क्वथनांक की, तो इन जो आयनिक बॉन्ड वाले जो पदार्थ हैं, आयनिक बॉन्ड वाले जो क्रिस्टल हैं, इनकी इनके क्वथनांक और गलनांक, इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं क्योंकि इनमें कठोरता और पाई जाती है, इस कारण से जो है इनके गलनांक क्वथनांक का मान उच्च पाया जाता है। तीसरी हम बात करते हैं विद्युत चालकता की, तो इनकी इनके अंदर आयनिक बॉन्ड्स के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये जो क्रिस्टल है इनको यदि विलायकों में विलेय करके और विद्युत का चालन देखा जाए तो यहाँ विद्युत का ये कुछ ना कुछ चालन करते हैं, विद्युत के सुचालक के रूप में ये कार्य करते हैं, लेकिन उसके लिए इनको मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम NaCl है, NaCl को यदि आप जल में घोल करके और यदि आप अमीटर से चेक करें तो इसमें कुछ एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड वाले पदार्थों में क्रिस्टलों में यदि उनको विलायकों में विलय करके देखा जाए तो ये विद्युत का चालन करते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम, अन्य की तुलना में विद्युत का चालन कम करते हैं। पांचवें गुण विलेयता की बात करें तो ये कुछ प्रकार के घोलक, जैसे कि हम NaCl की बात करते हैं, NaCl जो है पानी में आसानी से घुलनशील है तो यहाँ पर इनमें विलेयता का गुण पाया जाता है। अगर इनको अच्छे घोलक मिल जाते हैं तो ये आसानी से उन घोलकों में विलेय हो सकते हैं। तीसरा हम इनके विभिन्न उदाहरणों के जो हम 6 पॉइंट लेते हैं उनमें इसके अनेक उदाहरण हैं, NaCl है, CaCl2 है, LiF है, LiCl है, तो ये आयनिक बंधों के उदाहरण हैं। तो हम आयनिक बॉन्ड के बारे में ये कह सकते हैं कि आयनिक जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु और इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के आपस में अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप जो है एक परमाणु पर पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, दो आयन तैयार होते हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। अब यहाँ हम अपना अगला टॉपिक लेकर के चलते हैं, सहसंयोजक आबंध, इनकी सहसंयोजक बंध की बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है सहसंयोजक, यानी कि दो परमाणुओं के आपस में संयोजकता के द्वारा, यानी कि उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहयोग से दोनों जो परमाणु हैं वो आपस में स्थायित्व प्राप्त करते हैं। यहाँ हम सहसंयोजक आबंध की यदि परिभाषा की बात करें तो सीधी सीधी परिभाषा यह बनती है कि यदि दो परमाणु जिनके पास आपस में संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों परमाणु अपने स्थायित्व के लिए एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और उस साझेदारी के फलस्वरूप जो उनके बीच में जो बंध तैयार होता है उसी बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। यानी कि दो परमाणु जिनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और साझे के फलस्वरूप अपना अष्टक पूर्ण करते हैं और अष्टक पूर्ण करने के साथ ही वो स्थायित्व प्रदान उनको स्थायित्व प्राप्त होता है और इस प्रकार दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे कहते हैं हम सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध
के उदाहरण के लिए मैं आपको विशेष तौर पे मेथेन का उदाहरण दूं। मेथेन जिसको आप CH4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम काफी पढ़ते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर, मेथेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो यहां कार्बन और हाइड्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, स्थायित्व प्राप्ति के लिए दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। यहां यदि हम यहां इसको कार्बन को लें, कार्बन के जो संयोजी कोष है, कार्बन के संयोजी कोष में उसके पास चार मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन के पास संयोजी कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। वह हाइड्रोजन इसके पास जो है चार मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यहां ये कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। चार हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है संयोग करके बंध बनाते हैं। इस प्रकार के बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, और इस स्ट्रक्चर को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं हम, एक कार्बन, चार हाइड्रोजन इस तरह से बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के आबंध को कहते हैं हम सहसंयोजक बंध। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजक के बंध के गुण। अब यहाँ हम जो है बात करेंगे सहसंयोजक जो आबंध है उनके लक्षणों की। तो सबसे पहले हम इसके लक्षणों में बात करते हैं भौतिक अवस्था। जो सहसंयोजक आबंध है, सहसंयोजक आबंध बनाने वाले जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं से बने द्रव्य में या उन परमाणुओं से बनने वाले पदार्थ में जो भौतिक अवस्था है सामान्य तौर पर गैसीय और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो यदि हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में जो चतुर्थ ग्रुप के जो तत्व हैं, वो ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो है हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो यहाँ जो भौतिक अवस्था की बात करें तो गैसीय, द्रव और फोर्थ ग्रुप वाले जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हमारे पास हीरा और ग्रेफाइट। दूसरी हम बात करते हैं सहसंयोजक ऊर्जा की। यहाँ इनकी जो सहसंयोजक ऊर्जा है वह कम होती है, यानी कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होगी। यदि हम बात करें गलनांक और क्वथनांक की, तो गलनांक क्वथनांक यहाँ डिसाइड करेगा कि आबंध दुर्बल है या प्रबल है। यदि प्रबल सहसंयोजक बंध है तो वहां गलनांक क्वथनांक का जो मान है वो अधिक होगा। यदि जो सहसंयोजक आबंध है दुर्बल आबंध है तो यहाँ गलनांक और क्वथनांक इनका क्या होगा, कम होगा। बात करते हैं इनकी विद्युत चालकता की। अब विद्युत का जो चालन है वह वही होता है जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो वो विद्युत का चालन नहीं कर सकते, या आयनिक श्रेणी में हो। तो यहां यदि हम विद्युत चालकता लक्षण की बात करें तो हीरा, जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो विद्युत का कुचालक होता है। इसके अलावा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये दोनों जो है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। तीसरा हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जिसको हम पेंसिल बनाने में काम में लेते हैं, पेंसिल जो बनती है वो ग्रेफाइट की बनती है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इस तरह से हमने जो है दो आबंधों को यहाँ पर पढ़ा, एक तो हमारा पहला आयनिक आबंध, दूसरा सहसंयोजक बंध। अब इससे आगे का जो टॉपिक है उसको हम
अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को थैंक यू। इस कोरोना की घड़ी में आप घर पर बैठकर और ऑनलाइन लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी करें। कोई प्रॉब्लम हो तो जो है संपर्क करें।